पहलवानों के ड्यूटी पर लौट गए मगर उनका आंदोलन अभी जिंदा है और इस आंदोलन को जिंदा रखने का जिम्मा खापों के हाथों में है। एक तरफ आज बजरंग साक्षी और विनेश फोगाट रेलवे में अपने काम पर लौट आए तो वहीं दूसरी तरफ चरखी दादरी में फिर खिलाड़ियों के समर्थन में महापंचायत की तैयारी की जा रही है। सांगवान खाप की अगुवाई में ही गांव बलाले के सर्वजातीय सर्व खाप महापंचायत का आयोजन होगा। खाप के कार्यकारिणी मीटिंग में इस बारे में फैसला लेते हुए खाप चौधरियों को चिट्ठी जारी की गई और साथ ही गांव की बेटियां विनेश और संगीता फोगाट को भी महापंचायत में आमंत्रित किया गया है। वहीं फोगाट खाप ने महापंचायत को सफल बनाने का आह्वान करते हुए रेसलरों के आंदोलन से पीछे हटने की खबरों को अफवाह बताया। हमारे सांगवान धाम खेड़ीपुरा में हमारी सारे सांगवान खाप के कन्नी प्रधानों की और सभी बिरादरी के जो कन्नी प्रधान हैं सभी जातियों के प्रधानों की एक मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग का मेन कारण यही है कि जो ओलंपियन पहलवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हमने 7 तारीख की पंचायत तय कर रखी है बलाड़ी गांव में। बलाड़ी गांव वो है जहाँ बेटी विनेश का गांव पड़ता है, तो वहाँ पर 7 तारीख की पंचायत है हमारे सांगवान खाप की और दादरी जिले की सभी खापों की सभी संगठनों की। देखिए खिलाड़ियों को तो बुलाने की ये है कि वो हमारी बेटी विनेश और वो छोटी संगीता छोटी बेटी संगीता उन दोनों को आमंत्रित किया जाएगा और मौके के हिसाब से समय के अनुसार वो आना चाहेंगी तो आ जाएंगे, नहीं तो उनका परिवार और हम भी उनका परिवार ही हैं। हम बैठ के जैसा भी भाई करेंगे वो अच्छी तरह से अपने बैठ के पंचायत करके फैसला करें। सांगवान खाप के सचिव नरसिंह डोगी की अध्यक्षता में दादरी के गांव खेड़ी बुरा स्थित सांगो धाम पर खाप के कार्यकारिणी मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के गांव बलाली में महापंचायत की अगुवाई सांगवान खाप करेगी। सर्वजातीय सर्व खाप पंचायत में रेसलरों के मसले पर मंथन करते हुए बड़ा निर्णय लेने बारे में भी विचार विमर्श किया गया है। इस दौरान मीटिंग में खाप चौधरियों के नाम चिट्ठी जारी करते हुए महापंचायत की सफलता को लेकर जिम्मेदारियों भी लगाई। एक चैनल के अंदर खबर आई कि जो पोक्सो एक्ट जो लगा है उस लड़की ने अपनी शिकायत वापस ली है, फिर उसके पिताजी की तरफ से भी उस खबर का खंडन आया। तो और जैसे अब साक्षी मलिक के बारे में जो रेसलर हमारी बहन बेटी उसके बारे में भी सोशल खबर चैनल पे चली, तो ये जितनी भी खबरें चल रही हैं ये बिल्कुल सारी फेक खबरें हैं। उनका खंडन भी आ चुका है, जो हमारी महिला रेसलर है साक्षी मलिक उनका भी खंडन आ चुका है कि भाई आंदोलन जारी रहेगा, हम सब आंदोलन के साथ हैं। तो ये सारी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। आने वाली 7 तारीख को सांगवान खाप 40 ने गांव बड़ाली में, जो गांव बड़ाली है जो महिला रेसलरों का गांव है, हमारी बहन विनेश संगीता फोगाट ये उन्हीं का गाँव है क्योंकि बचपन से पले बड़े हैं उसी गाँव से इन्होंने अपनी कुश्ती की शुरुआत की थी। तो सांगवान खाप 40 के द्वारा आने वाली 7 जून को गांव के सरकारी स्कूल के अंदर सुबह 10 बजे एक पूरी बड़ी महापंचायत बुलाई। महापंचायत की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। विनेश और संगीता फोगाट को पंचायत में आमंत्रित किया गया है। वहीं फोगाट खाप प्रधान बलवंत नंबरदार ने रेसलरों के आंदोलन से पीछे हटने की खबरों को अफवाह बताया। कहा कि फोगाट खाप ही नहीं बल्कि पूरे 36 बिरादरी बलाली गाँव की महापंचायत को सफल बनाएंगे। महापंचायत में स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट के साथ आमजन को पहुंचने का भी आह्वान किया गया है। वैसे अब देखने वाली बात ये रहेगी कि पहलवानों को लेकर इस महापंचायत में क्या फैसला सुनाया जाता है। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब के सिटी टीवी।